बहुत सारे ऐसे गीता की टीकाएं हैं जिनके अंदर कृष्ण और अर्जुन का कोई, उनकी कोई परवाह ही नहीं है, उनका कोई जिक्र ही नहीं है, बस अपने क्या बताते हैं। गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, तुम जो भी कर रहे हो वो सब अच्छा कर रहे हो। तो ये दुकान ही मेरा मंदिर है, ग्राहक ही मेरा भगवान है, ये सब गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है। गीता में लिखा हुआ है भगवान एक है, श्री कृष्ण, उसी ने ये पूरे संसार को बनाया है और हमको उन्हीं की शरण में जाकर ही वास्तविक सुख मिल सकता है। गीता का उद्देश्य ये है कि जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए और फिर अपने कर्तव्यों का पालन करे। जब तक वो अपने केवल कर्तव्यों का पालन करता रहेगा लेकिन कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा तो वो कभी भी मुक्त जन्म मरण के चक्कर से नहीं हो सकेगा, क्योंकि खाली कर्तव्यों का पालन जो है वो उसे जंजीरों में बांधेगा, कर्म की जंजीरों में। तो कर्म की जंजीरों से तोड़ने का, उनसे छूटने का ये उपाय है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच।